Good morning, student. I am Kavita Sonia, your English teacher from Sardar Patel Public School. So we have already studied our topic model, and now we are studying the remaining topic model. ठीक है. We have already studied number one model can, two could and may. तो today our fourth model is might. ठीक है. तो चौथा हम पढ़ रहे हैं माइट. तो मे और माइट थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इसमें. माइट क्या है? इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे. ये मे की क्या है? पास्ट फॉर्म है, बट थोड़ा सा इनका जो यूजेस है वो डिफरेंट है. ठीक है. तो फर्स्ट चीज़ का क्या है? रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब क्षीण संभावना, यानी जिस चीज़ के को लेकर हमें थोड़ी बहुत कम क्षीण संभावना है तो वहाँ पर. लेकिन अगर पूरी पॉसिबिलिटी है, फुल पॉसिबिलिटी है, आप श्योर हो किसी चीज़ को संभावना व्यक्त करने के लिए, तो वहाँ मे मॉडल आएगा. लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी हेजिटेशन है आपको और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे हम माइट मॉडल का यूज़ करेंगे. तो उसको क्या बोलेंगे? क्षीण संभावना को रिमोट पॉसिबिलिटी. तो इसका क्या है? जैसे एग्जाम्पल है, द लास्ट बस हैज़ गॉन सो ही माइट कम नाउ. कि लास्ट बस है ना, वो जा चुकी है, इसलिए ही माइट कम नाउ, वो अब आ सकता है. तो लास्ट बस चली गई है ना, तो ये थोड़ी सी संभावना है आपको उसके आने की. बट ये जो हमारा जो फैक्ट है कि उस लास्ट बस हैज़ गॉन, ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो आ सकता है. तो उसके आने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, वो क्या है? रिमोट है. ठीक है. नेक्स्ट है, देर आर फ्यू क्लाउड्स सो इट माइट रेन. अब आपने जैसे आपने मे मॉडल में पढ़ा है, देर आर सो मैनी क्लाउड्स इन द स्काई सो इट मे रेन टू नाइट. लेकिन आप इसमें क्या कह रहे हो? देर आर फ्यू क्लाउड्स, कि आपने ना थोड़े से बादल हैं देखे हैं. ठीक है, कि थोड़े से बादल हैं, तो इसलिए आप थोड़े से बादलों को देख के आपको थोड़ा सा ऐसा पॉसिबल लग रहा है आपको कि बारिश हो सकती है. तो आप बोल रहे हो देर आर फ्यू क्लाउड्स सो इट माइट रेन. ठीक है ना, कि उन थोड़े बहुत क्लाउड्स को देख के आप संभावना पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हो, रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हो कि बारिश हो सकती है. सेकंड है कैजुअल रिक्वेस्ट. आप नॉर्मली कैजुअल वे में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी, यानी आप किसी को कुछ काम करने के लिए कह रहे हो. मान लो कुछ लेटर पोस्ट करा रहे हो, तो आप कहोगे कि मेरे लिए पोस्ट कर सकते हो, तो आप एक कैजुअल वे में, फॉर्मल तरीके से में उसको बोल रहे हो. ठीक है, कि उसको कि मेरे लेटर पोस्ट कर दे, तो वो होगी कैजुअल रिक्वेस्ट, यानी आप दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो. नेक्स्ट है डिफिडेंट परमिशन. इसको हम बोलते हैं संशयात्मक अनुमति, यानी आप किसी से परमिशन ले रहे हो लेकिन थोड़ा सा आपको हेजिटेशन है कि आपकी बात को वो, आपकी परमिशन को वो ग्रांटेड करेगा कि नहीं करेगा. तो वहाँ पे हम किसका मॉडल, कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? माइट. लेकिन अगर परमिशन ग्रांटेड है और सीक परमिशन है, गिव एंड टेक की परमिशन है, तो वहाँ पे हम मे मॉडल का यूज़ करेंगे. बट आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपको परमिशन लेने में थोड़ा संशय हो रहा है, तो वहाँ पे डिफिडेंट है, तो वहाँ पे माइट मॉडल का यूज़ करेंगे. जैसे माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, यानी आप दूसरे से सोच रहे हो कि इससे पूछूं कि नहीं पूछूं, तो आप उसको हिचकिचाते वे में, थोड़ा मन में अजीब सी फीलिंग्स ला के आप उसको पूछ रहे हो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं. दूसरा, जैसे माइट आई टच योर न्यू ड्रेस. आपने अपने फ्रेंड की न्यू ड्रेस देखी और आपका मन कर रहा है उसको टच करके देखूँ कि वो कैसी है, तो वहाँ पर भी आप माइट मॉडल का यूज़ कर सकते हो. बट आप में डिफिडेंट है कि परमिशन ग्रांटेड होगी कि नहीं होगी, तो आप वहाँ पर माइट मॉडल का यूज़ करेंगे. माइट आई टच योर न्यू ड्रेसेस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माइट मॉडल. सो वी हैव कम्प्लीटेड फोर मॉडल, कैन, कुड, मे और माइट. इनसे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कमेंट करें. ओके, थैंक यू.